अलैकुम 8 क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑफ एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्टेटमेंट विद देयर सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। पार्ट्स दिए हैं इनके, हमने स्टेटमेंट, ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही हैं, प्रिंट, इनपुट, रीड एंड डेटा, इफ देन एल्स, इन सब के हमने सिंटैक्स भी बताने हैं और साथ ही इसकी एग्जांपल भी देनी है कि ये स्टेटमेंट कहाँ यूज़ की जाती हैं। तो आपको आपके फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, इसका आंसर आपको पेज नंबर 118 पे मिल जाएगा। ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज और आउटपुट टू द स्क्रीन एज शॉर्टकट कैन बी यूज फॉर प्रिंट कमांड। यहाँ ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रिंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ होती हैं GW बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग की, उसमें उसके लिए है। इसमें ना डिफरेंट लाइन नंबर्स होते हैं, आप जब आएंगे मैं आपको लैब में दिखाऊंगी। इसका सेंटेक्स देखें, सेंटेक्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट आर सेंटेक्स 1 लाइन नंबर, प्रिंट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग। एग्जाम्पल है 10 प्रिंट आई लव पाकिस्तान, 10 मीन्स ये लाइन नंबर है इसका, प्रिंट मतलब जैसे हम आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। और तो ये आप यहाँ तक करेंगे, द अबव स्टेटमेंट विल आउटपुट अ स्ट्रिंग। में आपके बी पार्ट में आपको गिवन है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट आप यहाँ से करेंगे, पेज नंबर 119 पे है। इनपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। के इनपुट स्टेटमेंट इनपुट देने के लिए यूज़ होता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, मतलब ये कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उसमें एग्जीक्यूट करवाते हुए आपको इनपुट दी जाती है। सिंटैक्स इसका है लाइन नंबर, इनपुट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग, जस्ट यहाँ तक करना है आपने कि आपको नज़र आ रहा है ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये इनपुट स्टेटमेंट है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल जो है ये आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है, पेज नंबर 120 पे है। प्रोग्राम दिया हुआ है 10 CLS, 2 input x, 30 print, स्केयर ऑफ नंबर इज इक्वल x, एक्सपोनेंट का साइन है ये, और 2। देखिए CLS जो है ये यूज़ किया जाता है, बेसिकली यूज़ किया जाता है क्लियर स्क्रीन के लिए, ये आपको साइड पे नज़र भी आ रहा है लिखा हुआ। और इनपुट एक्स मीन्स कि आप एक्स जो है एक वेरिएबल है, इसमें आप वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं, और स्केयर ऑफ योर नंबर कोई भी नंबर जिसका आप स्केयर लेना चाह रहे हो तो ये उसके लिए है, और 10, 20, 30 या फिर डिफरेंट लाइन नंबर्स होते हैं। आपके पास थर्ड स्टेटमेंट है रीड एंड डेटा स्टेटमेंट, ये यहाँ से होगा। रीड एंड डेटा स्टेटमेंट आर यूज व्हेन देयर इज़ नीड टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स विद गिवन डेटा, यहाँ से यहाँ तक करना है। इसके बाद पेज नंबर 121 पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, देखें, द लाइन नंबर रीड लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमास, लाइन नंबर डेटा लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, और ये एग्जांपल है 10 रीड एक्स वाई जी के, ये इसके वेरिएबल्स हैं, और 20 डेटा 8, 9, 13, 15 ये कॉन्स्टेंट हो गए, ये इसके एग्जाम्पल है। जस्ट यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये अगेन बता रही हूँ ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन का है, तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गई। इफ देन इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजंस इट टेक्स सम एक्शन और चेंजेस टू ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू चेक वेदर अ रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स इफ देन एल्स स्टेटमेंट जो है कंडीशनल होती है, आपके पास दो कंडीशन है तो उसमें से जो एक ट्रू हो जाएगी अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब इसका सिंटैक्स ये दिया हुआ है कि इफ रिलेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, और ये आपकी सेकंड हो जाएगी, इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू द स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज सेकंड हो जाएगी। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है 10 CLS, ये पूरा प्रोग्राम है, इनपुट करवा रहे हैं, एंटर अ वैल्यू मींस वेरिएबल ए में कोई वैल्यू एंटर करवा रहे हैं और सेकंड वैल्यू बी में एंटर करवा रहे हैं, उसके बाद ये कंडीशन लगाई हुई है कि इफ ए इज़ लेस देन बी देन स्मॉल इज इक्वल टू ए एल्स स्मॉल बी, मीन्स अगर ए की वैल्यू स्मॉल है तो कंडीशन ए ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज बी जो है वो बी की स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसके बाद देखें 50 प्रिंट स्मॉलर नंबर स्मॉल,
ये पूरा आपका प्रोग्राम है, ये इसकी एग्जांपल है। तो आपने आज के लिए आप ये सारे स्टेटमेंट्स हैं आपने याद भी करनी है और होमवर्क भी करना है। अल्लाह हाफिज़।